Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका अपना होस्ट अली ज़ैब और लाया हूं एक और मुस्कुराता हुआ प्रोग्राम ए टू ज़ेड हेल्थ टिप। आपका अपना अली ज़ैब। आज हम बात करेंगे मुस्कुराहट की, दांतों की सेहत की, और उसके साथ हम ये भी कहेंगे मुस्कुराने की वजह तुम हो। मुस्कुराने की वजह वैसे कोई भी हो, लेकिन अच्छी मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का सफेद और खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। और उसकी सफेदी के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा, निहायत आसान और सस्ता तरीन। जी, अच्छी मुस्कुराहट के लिए जरूरी नहीं कि आप ढेर सारे पैसे खर्च करें। गुज़िश्ता दिनों की बात है कि एक डेंटिस्ट के पास हमारे एक अजीज थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, सेहतमंद थे। वो डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा जी मैं शादी पे जा रहा हूँ तो दांतों को चमका दूँ। कोई बीमारी नहीं थी, कोई दाढ़ का प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था। वो दांतों की शाइनिंग के लिए गए, वापस आए तो पता चला अचानक उन्हें ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ और कुछ ही अरसे में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तहकीक करने पर पता चला कि उनसे पहले एक ब्लड कैंसर के मरीज ने दाढ़ निकलवाई थी। तो टूल्स को जो है ना अच्छे तरीके से हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक साफ नहीं किया गया था। वो बड़ा प्लांट होता है जिसमें अच्छे तरीके से उसके जर्म्स दूर किए जाते हैं या वो चीज़ें ही इस्तेमाल नहीं की जाती। नुसरत फ़तेह अली साहब का वाक्य भी आपके सामने है कि जब उनको डायलिसिस कराए गए तो डायलिसिस की ट्यूब चेंज ना होने की वजह से उनको एकदम से हेपेटाइटिस ए बी सी हुआ। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसीलिए एहतियात सुनत है, हमें एहतियात करनी चाहिए। दांत साफ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों रुपये लगाएं, किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। आज हम ए टू जी हेल्थ टिप में आपको निहायत ही सस्ता तरीन नुस्खा बता रहे हैं। जस्ट बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, आप मीठा सोडा लीजिए, अपना रूटीन का ब्रश लीजिए। और आज हमारे दरमियान मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार जैन अली। जी हाँ, जिन्हें हम शक्ल बाबर अली भी कहा जाता है। हम उन पर ये तजर्बा करते हैं, उनके दांत भी दिखाते हैं आपको और फिर इसके इस्तेमाल के बाद भी दिखाएंगे। तो 100% आपकी मुस्कुराहट, शाइनिंग और वाइट हो जाएंगे आपके दांत। तो क्या जरूरत है रिस्क लेने की? सस्ता इलाज है। और आप इस नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए 100% ठीक है, उसका रिजल्ट हम आपको अभी बताते हैं। जी जैन, हमारे पास हैं मॉडल एक्टर जैन और इनका अमजाती ब्रश, इनका घर से चोरी करके लाए। ये ब्रश किसका है? आपके। आइए मेरे पास आए। ये है जैन अली। जैन अली आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल, हाँ ऐसे होना पड़ेगा। ये जैन है, हाइट बहुत ज़्यादा है और कैमरा फिक्स था, इसलिए हमने जैन को थोड़ा सा अपना राइट हैंड दीजिए। ये मैं इनके हाथ पे बेकिंग सोडा, जस्ट बेकिंग सोडा और कुछ भी नहीं, उनके ब्रश के लिए देने जा रहा हूँ। पहले ई कीजिए ई। इनके दांत अभी गौर से देख लीजिए, याद रखिएगा। और इसके ई के बाद ये लीजिए, ये हमने लिया। एक तो मैं अपने हाथों से आपके सामने लगा रहा हूँ, ये कीजिए ये। इसे पकड़े हाथ में और स्टूडियो से बाहर जाएं, थोड़ी देर बाद वापस आए, नाजरीन को बताएं कि आपके दांत के किस कदर शाइनी हुए। नाजरीन, कुछ मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम चाहें तो इल्म बहुत बड़ा खजाना है, इल्म वही है जो दूसरों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दांतों को लश चमकाइए सिर्फ और सिर्फ मीठे सोडे से। मीठे सोडे से ब्रश कीजिए। जो लोग ब्रश इस्तेमाल नहीं करते, उनके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, वो उंगली से ही अपनी शहादत की उंगली को मुट्ठी पर रखें और उसे कम से कम 1.5 से 2 मिनट रब कीजिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको, हर दूसरे तीसरे दिन नहीं करना। आप कोशिश करें कि जब किसी पार्टी पे, किसी फंक्शन पे जाने लगे तो अपने दांतों को लश पश चमकाएं और फिर देखें इसका रिजल्ट। तो अभी हम आपको जैन का चेहरा भी दिखाएंगे, दमकता हुआ, चमकता हुआ। और ये मेरा वादा है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मीठे सोडे से आप अपने चेहरे को कैसे खूबसूरत, गोरा चिट्टा, कहते हैं काले रंग नो गोरा करें तो गोरे रंग नो चन वर्गा, मीठा सोडा। लेकिन ये हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल इजाजत चाहने से पहले मैं आपको जैन के दांत दिखाना चाहूंगा। इस वक्त वो रगड़ी लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा इसका बेहतर रिजल्ट के लिए। तो आपको भी जैन का हम चेहरा भी दिखाएंगे और दांत। जी नाजरीन, देख रहे हैं इस वक्त मीठा सोडा जो है वो जैन अली जो है वो अपने दांतों पर रगड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और बड़े गौर से देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। और देख रहे हैं कि साथ साथ फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त इनके दांतों में।
साथ साथ चमक रहे, हम चाहेंगे कि जहन जाएं कुल्ली करके हैं ताकि हम आपको सोडे का बेहतरीन रिजल्ट दिखा सकें। इस वक्त स्क्रीन पर जहन साहब लगे हुए हैं। दांत करने का वैसे सही तरीका यही है, लेकिन आप सोडा हो तो ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि ऊपर से नीचे अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन ऐसे आप ब्रश करें। जी तो नाज़रीन, ये था बेकिंग पाउडर और ये था जहन का ब्रश और ये है जहन। आइए मिलवाते हैं आप। दांत देखिए इनके शाइन मार रहे हैं ना, ये है मीठे सोडे का और ए टू जी हेल्थ टिप का कमाल। तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बाकी के दोस्त भी जहन की तरह अपने ई अपने दांत चमका सकें। यहाँ से लाइटें मार रहे हैं बाकायदा से, आपके दांतों को करेगा बहुत खूबसूरत मीठा सोडा। ये तिब्बे महमदी के वो नुस्खे, और एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कह दीजिए किसी के अच्छे दांत निकले हुए तो देखिए हम कैसे सवाब कमा सकते हैं, अपने दीन को फ़रोग दे सकते हैं, नेकियों को फ़रोग दे सकते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये कह सकें कि मुस्कराने की वजह तुम हो। ई टू सी हेल्थ टिप के साथ आपका अपना अलीज़ैब ज़ैन अली को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, सदा मुस्कराइए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.